सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मेरा क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, और क्वेश्चन क्या है, एक्स बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन भी है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। इस पे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो आप वन बाय वन करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है एक्स बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब आपको सबसे पहले पता करना होता है कि ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को हम लोग बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर को बोलते हैं हम लोग अनुचित भिन्न। यानी कि हम सबसे पहले पता करेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते किसे हैं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा। तो हम आपको जनरली यहाँ पे बता देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन ये है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन होना चाहिए किसके, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी अंश का घात जो है, अंश की घात छोटा हो किससे, हर की घात से, हर की घात से। अब इसका मतलब क्या है, तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर यानी अंश बोलते हैं इसको, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर यानी इसको हर बोलते हैं हम लोग। तो अगर ऊपर वाले का एक्सपोनेंट यानी घात नीचे वाले से छोटा हो तो उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर में x का पावर 5 है, नीचे में x का पावर 7 है, तो इसका घात 5 है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर का घात 5 और नीचे वाले डिनोमिनेटर का घात 7, तो ये 5 छोटा है 7 से, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया मेरा, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी ऊपर छोटा होना चाहिए नीचे बड़ा होना चाहिए, ये आपको समझना है किस फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो मान लीजिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखें, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेरा क्या होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मेरा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन या इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमरेटर के होना चाहिए। यानी कि हर अंश का घात जो होना चाहिए, अंश की घात वो ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके होना चाहिए, हर की घात के। यानी कि अगर आप इसको समझे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास x का पावर 5 है और x का पावर 3 है, तो ऊपर का पावर नीचे वाले पावर से अगर ज़्यादा हो गया तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा आ गया x² + x + 5 / x - 1 × x - 2, तो अब हम आपसे पूछें कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो जैसे देखिए ऊपर x² है, हाईएस्ट पावर इसका कितना है 2, तो हाईएस्ट पावर ऊपर 2 हो गया। नीचे में देखिए x एक बार यहाँ पे, x एक बार यहाँ पे, यानी कि इसका 2 घात होगा, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 यानी 2 घात हो रहा है, यानी नोमरेटर का घात और डिनोमरेटर का घात बराबर हो रहा है। जब ये दोनों बराबर हो तब भी उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा क्वेश्चन जो है उसको हम नोट कर लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है x / x - a, x - b × x - c। अब हम आपसे पूछे कि नोमरेटर का डिग्री ऑफ नोमरेटर कितना है, तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि डिग्री ऑफ नोमरेटर कितना है, तो डिग्री ऑफ नोमरेटर देखिए x है तो x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 ही है, तो डिग्री ऑफ नोमरेटर आपका हो गया 1। और अगर हम आपसे पूछे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पे x एक बार है, फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार, यानी x का पावर 3 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, x का क्यूब आएगा, यानी हाईएस्ट डिग्री नीचे में 3 है, x का क्यूब का मतलब उसका पावर 3 है,
तो हाईएस्ट डिग्री नीचे में 3 है। तो आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ नॉमिनेटर यानी ऊपर का घात एक जो है वो क्या है, 3 से छोटा है, यानी डिग्री ऑफ नॉमिनेटर जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। जब प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिल जाता है तो आप इसको इजीली आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते क्यों हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम इजीली उसको ब्रेक कर सकें और उसमें जो भी चेंजेस करना हो हम इजीली कर सकें। अगर मान लेते हैं एक साथ ये जुड़ा हुआ है तो हम इसको, अगर मान लेते हैं कि इस वाले एक्स माइनस ए में कुछ चेंज करना है तो हमको सारे वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस करना होगा, इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं ताकि इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दे और इसको छोटे छोटे पार्ट में बना दे। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मेन मोटिव यही होता है। तो अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने का स्टाइल क्या है उसको आप समझिएगा अच्छे से। तो अभी ये सबसे फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है। तो देखिए अब पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमारा कितना था, यानी हर का घात कितना था। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मेरा 3 था, तो यानी इसमें 3 कॉन्स्टेंट आएंगे। ये आपको क्लियरली हो गया, समझ में आ गया होगा, यानी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मेरा 3 है तो कितने कॉन्स्टेंट आएंगे, 3 कॉन्स्टेंट आएंगे, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब 3 कॉन्स्टेंट मान लेते हैं कि मेरा ए बी सी 3 कॉन्स्टेंट है, एक मान लेते हैं ए है, दूसरा मान लेते हैं बी है, और तीसरा मान लेते हैं सी कॉन्स्टेंट है। अब सबके नीचे अपॉन लगाना है और बीच में हम प्लस लगाते हैं। अब देखिए नीचे क्या है मेरे पास, पहला जो ब्रैकेट है वो x माइनस ए, तो यहाँ पे x माइनस ए लिखेंगे, x माइनस ए। दूसरा ब्रैकेट मेरा x माइनस बी है, तो यहाँ पे x माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस सी, तीसरा ब्रैकेट है। तो ये इसके लिखने का स्टाइल है, जैसे कि अगर x का पावर कुछ भी नहीं हो यानी लीनियर फॉर्म में हो, जैसे x का पावर 1 है माइनस है तो उसको सेम ऐसा लिखते हैं, लेकिन अगर x का पावर कुछ आ गया तो नेक्स्ट वीडियो में उस टाइप का भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि उसको कैसे प्रोसीड करना है। तो जनरली आपको ये समझ में आ गया होगा कि मान लेते हैं मेरे पास x बाय, जैसे मान लेते हैं 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम ऐसा लिखेंगे a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2। इस तरह से आपको इसको ब्रेक करना है। तो ऐसे ही मेरे पास x माइनस a था, तो a बाई एक्स माइनस a, b बाई एक्स माइनस b और c बाई एक्स माइनस c। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ से कोई भी प्रोसीजर लगा के हमको a, b और c का वैल्यू निकालना होगा। अगर हम ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरा ये और यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ, तो एलसीएम लेते हैं तो ये मेरा हो जाएगा एक्स बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का एलसीएम क्या आएगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी मेरा एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए आपको क्या, जैसे यहाँ पे पहला एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, यानी जो उसके नीचे वाला है बस उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो है उसके साथ में लगा लीजिए। प्लस में है बी तो प्लस बी लिखेंगे, बी के नीचे एक्स माइनस बी है तो यहाँ से x माइनस बी छोड़ देंगे और बच क्या गया, x माइनस ए एक्स माइनस सी, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी यहाँ पे लिखेंगे, प्लस फिर यहाँ पे c है तो c के नीचे क्या है x माइनस सी, तो x माइनस सी वाला छोड़ देंगे और बच क्या गया मेरे पास, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक कैंसल आउट हो गया तो मेरे पास क्या मिल गया, मेरे पास बच गया x इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब ये टर्म आपको मिल गया। अब आप जो देख रहे हैं इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्या करना होगा, जैसे हमें x ए बी और c का वैल्यू निकालना है, यानी तीन कॉन्स्टेंट जो है उन तीनों कॉन्स्टेंट का हमें वैल्यू निकालना है, तो हमें ए का भी वैल्यू निकालना है, बी का भी वैल्यू निकालना है और सी का भी वैल्यू निकालना है। तो ए बी और सी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उस टर्म को देखना है। तो दो तरीका है ए बी और सी का वैल्यू निकालने के लिए। पहला तरीका यह है कि जैसे एक्स है तो इन सबको मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका कोएफिशिएंट लेके इक्वेट करिए, तब ए बी सी का वैल्यू निकालिए। तो वो जो प्रोसेस है वो काफ़ी लार्ज हो जाता है,
इसलिए हम सिंपल मेथड यहाँ पे यूज करते हैं जिसमें एक्स का कोई ना कोई वैल्यू पुट करते हैं रेंडमली और उससे ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जैसे मान लेते हैं हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो अगर हमारे पास ये एक ही इक्वेशन मिल रहा है तो एक इक्वेशन को सॉल्व करने से मेरे पास एक ही कॉन्स्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि दो समीकरण होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, तो आप दोनों निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे एक ही इक्वेशन है और तीन कॉन्स्टेंट को निकालना है तो ये इजिली नहीं कर सकते। यानी कि एक कॉन्स्टेंट को निकालना है तो बाकी दो को हमको क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो जैसे हमको ए को निकालना है तो बी और सी को जीरो करने के लिए एक्स का क्या वैल्यू रखना होगा उसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि बी और सी में कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें एक्स माइनस ए है और इसमें भी एक्स माइनस ए है, यानी दोनों में एक्स माइनस ए है। और अगर हम एक्स की जगह पे ए रख दे तो ए माइनस ए भी जीरो हो जाएगा, और इसकी जगह पे ए रख दे तो ए माइनस ए भी जीरो हो जाएगा, यानी दोनों टर्म जीरो हो जाएगा। कब? जब एक्स का वैल्यू हम ए रखेंगे तब। तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो एक्स की जगह पे दोनों तरफ ए रखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, इस एक्स की जगह पे रख रहे हैं ए, तो ए इक्वल टू इधर में ए इंटू एक्स माइनस बी, तो एक्स की जगह पर रखें ए तो ए माइनस बी हो जाएगा, एक्स माइनस सी तो एक्स की जगह पे ए माइनस सी प्लस। आप मान लीजिए इसमें रख रहे हैं तो बी एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ए माइनस ए मेरा जीरो बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो, जीरो में बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो। फिर यहाँ पे एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, जीरो में सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया मेरे पास ए इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। तो यहाँ से मेरा फाइनली ए का वैल्यू क्या आ गया, ए बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ये मेरा किसका वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू हो गया। तो यहाँ से हमने ए कॉन्स्टेंट निकाल लिया, अब हमें बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे और अब हमें जो इक्वेशन मेरे पास है, इक्वेशन सेकेंड, उसको लिख लेते हैं। एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यही हमारा इक्वेशन था सेकेंड नंबर, ये वाला इक्वेशन था। तो हमने इसको लिख लिया। अब हमें जैसे हमने क्या किया, हमने यहाँ से ए कैलकुलेट कर लिया है तो अब हमें बी को कैलकुलेट करना है। तो जब बी को कैलकुलेट करना है आपको तो हमें ए और सी को जीरो बनाना पड़ेगा। तो अब जब ए और सी को जीरो बनाना है तो उसमें आपको चेक करना होगा कि कौन सा टर्म जो है वो जो ए और सी में कॉमन है। तो ए और सी में जैसे यहाँ पे एक्स माइनस बी है और इसमें भी एक्स माइनस बी है, और अगर हम x की जगह पे b रख दे तो b माइनस बी ये भी जीरो हो जाएगा, b माइनस बी ये भी जीरो हो जाएगा, तो दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। यानी हम यहाँ पे x का वैल्यू b रख सकते हैं और जिससे हमारा a और c जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू b। तो जब x की जगह पे b रखेंगे तो यहाँ पे x है तो इस x की जगह पे क्या आएगा, b इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या रख रहे हैं हम, a है और x की जगह पे b रख रहे हैं तो b माइनस बी कितना हो जाएगा, जीरो, और जीरो में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो जीरो प्लस यहाँ पे बी है तो बी लिखेंगे, एक्स माइनस ए तो एक्स की जगह पे बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, तो एक्स की जगह पे क्या है, बी माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो एक्स की जगह पर रखेंगे बी माइनस ए बी, बी माइनस बी जीरो, जीरो में सी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यानी ये हो गया बी इक्वल टू ये जीरो, तो कैपिटल बी इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या निकल के आया, बी बाई बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, ये जो टर्म है ना इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बस वही सेम प्रोसीडर। तो हमने यहाँ से बी भी कैलकुलेट कर लिया, अब हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा सी का वैल्यू। हमने बी कैलकुलेट कर लिया तो मेरा ए और बी मिल चुका है, ए और बी मिल चुका है, अब हमें निकालना है सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए को भी जीरो बनाना होगा और बी को भी जीरो बनाना होगा। तो ए और बी को अगर जीरो बनाना है तो चेक करेंगे ए और बी में क्या कॉमन है। तो देखिए इसमें भी एक्स माइनस सी है और इसमें भी एक्स माइनस सी है, यानी दोनों में एक्स माइनस सी है, और अगर हम एक्स की जगह पे सी रख दे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स की जगह पे जब हम सी रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो जब हम एक्स की जगह पे सी रख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स की जगह पे आ गया सी,
इनटू, अब इसमें सी रखेंगे तो सी माइनस सी जीरो, जीरो में ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो प्लस, इसमें भी एक्स की जगह पे रखेंगे सी तो ये बन जाएगा जीरो, सी माइनस सी जीरो, जीरो में बी से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो प्लस, ये सी इंटू एक्स माइनस ए तो एक्स की जगह पे सी, सी माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी तो एक्स की जगह पे सी तो सी माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा सी इक्वल टू जीरो जीरो, और ये हो जाएगा कैपिटल सी इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो यहाँ से कैपिटल सी का जो वैल्यू आ रहा है आपका वो आ रहा है कितना, सी बाई स्मॉल सी बाई, यहाँ पे स्मॉल सी बनाइए इसको, स्मॉल सी बाई स्मॉल सी माइनस ए इंटू स्मॉल सी माइनस बी, ये कैपिटल सी है। तो यहाँ से हमने देखा कि ए बी और सी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ये बी का वैल्यू हो गया, ये सी का वैल्यू हो गया, और इधर हमने किसका वैल्यू निकाला था, ये मेरा ए का वैल्यू था। अब हमारे पास जो ए बी और सी के वैल्यू आए हैं उसको हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में अप्लाई करना होगा, जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में ए बी और सी का वैल्यू हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, मेरा इक्वेशन क्या था, एक्स बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या लिखे थे हम, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी। अब हम क्या करेंगे कि ए बी और सी का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का वैल्यू जब पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा ए। तो ए का वैल्यू मेरे पास क्या है उसको देख लेते हैं, तो ए का वैल्यू है ए बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, ये ए का वैल्यू है, और नीचे एक्स माइनस ए है तो उसको एक्स माइनस ए को भी यहाँ पे लिखना होगा, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। प्लस बी, बी का वैल्यू कितना है देखते हैं, तो बी का वैल्यू है बी बाई बी माइनस ए बी माइनस सी, तो बी बाई बी माइनस ए और बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या है नीचे में एक्स माइनस बी भी है तो एक्स माइनस बी को यहाँ पे लिखना होगा, प्लस यहाँ पे सी बाई एक्स माइनस सी है तो सी का वैल्यू देखते हैं क्या है, सी का वैल्यू सी बाई एक्स सी माइनस ए सी माइनस बी, तो सी का वैल्यू सी बाई सी माइनस ए सी माइनस बी, सी बाई सी माइनस ए सी माइनस बी है, और इसके नीचे में एक्स माइनस सी है तो यहाँ पे एक्स माइनस सी लिख देंगे, और यही हमारा इसका पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर हो गया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कुल मिला के आपको 10 या 20 टाइप के क्वेश्चन हम करा देंगे जिससे रिलेटेड ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।